4.9 क्या कह रहा है, अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। साइड 10 सेंटीमीटर क्यों दिया भाई, हमें एरिया उसकी निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि साइड को हम स्मॉल ए से लिख दें 10 सेंटीमीटर, और जब एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 0.1 मीटर आएगा। तो एरिया कितना आएगा, 0.01, चलेगा ना, सही कह रहा हूँ, गलत लिखा है, गलत है। अरे मतलब इनका मतलब कैलकुले एपी बात पे मतलब गलत कैलकुलेशन का नाम, तो गलत है क्या होगा इन्होंने। अरे इतना छोटा तो कैलकुलेशन हमको आता ही है। मतलब ये समझे, इक्वल पोल्स रिपेल इच अदर, बात पे रिपेल इच अदर। गला गलत है, अरे हम भी थोड़ा हो गए शायद गलत हो। स्क्वायर कॉयल इज 20 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 20, तो नंबर ऑफ टर्न्स को स्मॉल एन लिखे दे रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। 20 टर्न नहीं, स्मॉल एन हो चाहे कैपिटल एन हो, यहाँ पर कोई सोलेनाइड तो है नहीं। क्या बोला, एंड कैरीज अ करेंट ऑफ 12 एम्पियर, यानी कि आई कितना गिवन है 12 एम्पियर। द क्वाइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द क्वाइल मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है 0.80 टेस्ला। देखिए जो एंगल लिया जाता है वो किसके किसके भी लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, और वही दिया उन्होंने नॉर्मल। और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है, तो वही इन्होंने भी बोला है कि द क्वाइल सस्पेंडेड टू वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन मतलब प्लेन के नॉर्मल, और प्लेन के नॉर्मल ही तो एरिया वेक्टर होता है। तो थीटा दिया गया है आपका 30 डिग्री, थीटा दिया गया है आपका 30 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द क्वाइल, टाउ आपको निकालना है। हमने कहा था कि जब कोई भी क्वाइल करंट कैरिंग क्वाइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करने की कोशिश करता है, और रोटेट करने की वजह से जो फोर्स लगता है, जो फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करा दे उसी फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं एग्जामिनेशन जब हो ऐसे चिल्लाए चिल्लाए लोग बोले टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है, जैसे लड़के कभी कभी एल सी आर सर्किट एक है आगे पढ़ेंगे तो कहना आर सी, कहना आर सी तिवारी, मतलब आर सी की डायमेंशन टी, आर सी तिवारी 1/3 तिवारी यानी 1/T, ये इस तरह सेटिंग किए थे। अब लोग समझे आर सी तिवारी क्यों बोल रहे हैं, बाद आर सी की डायमेंशन लिखी है टी, ठीक। और कभी कभी नकल करते हैं लड़के, अब दूर बैठे हैं ऐसे ऐसे नकल करेगा, हमको खड़े हो जाओ, अब तुम छिछी करो और तुम समझो ये कह क्या है, सोल्यूशन लिखो, लिख सकते हो, अजीब बात भी हो तुम भाई, उसमें थ्योरी लिखनी है, एक डेफिनेशन भी कैसे लिखोगे, जरा रखो वैल्यू कैलकुलेट करो अपने आप। तो वैल्यू रख लेंगे आप 0.96 टाउ कितना किलोग्राम न्यूटन मीटर, बिना यूनिट के आपका आंसर अधूरा माना जाता है, ये आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4.9 हो गया।